हेलो फ्रेंड, मैं सूरज स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब फैमिली प्रीवियस एग्ज़ाम पर। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे बिहार दरोगा मेंस 2020 का टेस्ट सीरीज़ करवाया जा रहा है। तो आज टेस्ट सीरीज़ का 9th पार्ट है, बाकी हम लोग 8 टेस्ट सीरीज़ को डिस्कस कर चुके हैं पूरे डिटेल में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे दिया गया है। वहाँ पर जाके बाकी 8 टेस्ट को देख सकते हैं तथा उसका पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम लोग 9th नंबर टेस्ट में देखेंगे पूरे 100 क्वेश्चन, जिसमें से आपके 75 क्वेश्चन जीके जीएस के होंगे, करंट अफेयर के होंगे, 25 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ के होंगे, जैसा कि आपको सिलेबस में बताया गया है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन दबा लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि लोगों को भी इससे ज़्यादा बेनिफिट पहुंचे। तो लेकर चलते हैं पहला सवाल। पहला सवाल आपके सामने होगा और पहला सवाल आपके सामने पूछा हुआ है कि एशिया की विशाल नदी मेंगकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें से नहीं बहती है, अर्थात किससे ये प्रवाहित नहीं होती है। तो इसका सही जवाब आपका सामने हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नंबर में हम देखेंगे कि मलेशिया से होकर आपका एशिया की जो सबसे बड़ी नदी है मेंगकांग है, वो नहीं बहती है। वहीं पे यह नदी किस किस देश से बहती है, तो यह तिब्बत से निकलकर चीन, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया व वियतनाम से होकर बहते हुए दक्षिण सागर में जाके मिल जाती है। तो इससे आपको इतने सारी चीज़ें जानकारी प्राप्त हुई। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, पूछा गया है यहाँ पर कि हड़प्पा भग्नावशेषों पर सबसे पहले किसका ध्यान गया था। तो जो हड़प्पा का बात किया जा रहा है, हड़प्पा पे सबसे पहले किसका ध्यान गया था, तो इसका सही जवाब आपके सामने हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ल्स मेसन साहब जी का। चार्ल्स मेसन 1842 ईस्वी में प्रकाशित अपने लेख में हड़प्पा नामक किसी प्राचीन स्थल के विद्यमान होने का सबसे पहले उल्लेख किया था। तो ध्यान रखें कि इसकी बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे सवाल आपके सामने पूछा हुआ है, तीसरे नंबर सवाल में पूछा है, नरम दलीय और गर्म दलीय रूप में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, यह कब हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा का सही जवाब 1907 ईस्वी ऑप्शन सी हो जाएगा। 1907 ईस्वी में कांग्रेस दो भागों में बट गया था, नरम दलीय और गर्म दलीय के रूप में बट गया था। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, चौथा नंबर सवाल पूछा है, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो किस वर्ष की बात किया गया है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 1774 ईस्वी में हुआ था, 26 मार्च 1774 ईस्वी, इस डेट को आप याद रखें। ये किस रेगुलेटरी एक्ट के अंतर्गत बना था, रेगुलेटरी एक्ट की बात किया जाए तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटरी एक्ट के प्रावधान के अंतर्गत कलकत्ता में फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कलकत्ता में न्यायालय व्यवस्था के लिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हेतु लेटर्स ऑफ पेटेंट 26 मार्च 1974 को जारी किया गया था। तो ध्यान रखें। नेक्स्ट सवाल आपके सामने होगा, पांचवा नंबर सवाल में पूछा है, प्रभु सत्ता का एकात्मक सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो प्रभु सत्ता का एकात्मक सिद्धांत की बात किया जाए तो यह सिद्धांत जो प्रस्तुत किया गया था ऑप्शन सी, ऑस्टिन साहब के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होता है। इंग्लैंड के एक विधिवेता अर्थात कानून निर्माता थे, इनके द्वारा प्रभु सत्ता का एकात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक स्वतंत्र राजनीतिक समुदाय में से एक परम शक्ति पाई जाती है जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय में निश्चित होती है, ये बात कही गई थी। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, बोला गया है, अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है क्योंकि। तो अमृतसर की अपेक्षा बात किया गया है, शिमला की तुलना की गई है, तो वो जो है निम्न अक्षांश पे स्थित होने के बावजूद भी अधिक ठंडा रहता है, क्यों रहता है शिमला में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यह उच्च तुंगता पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, उच्च तुंगता पे स्थित है, हाई एल्टीट्यूड पर स्थित है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने होगा, सातवां नंबर सवाल में पूछा है, सीमांत सड़कें केवल इसको बनाए रखने के उद्देश्य से निर्मित की जाती है। तो सीमांत सड़कें क्यों बनाई जाती है, तो इसका सही जवाब आपके सामने हो जाएगा यहाँ पे, आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, सातवां का ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि देश की सुरक्षा के लिए सीमांत सड़कें बनाई जाती है,
इसका उद्देश्य यही होता है कि देश की सुरक्षा व्यवस्था को सही से रखा जाए। नेक्स्ट सवाल आपके सामने होगा, 8 नंबर सवाल में पूछा है भारतीय संविधान कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है। तो भारतीय संविधान की बात किया गया है तो भारतीय संविधान को 22 अध्यायों में विभाजित किया गया है, 22 भाग में विभाजित किया गया है, तथा अनुच्छेद की बात किया जाए तो 395 है, ठीक है, और वहीं पे अनुसूचियों की बात किया गया तो 11 अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। तो 395, 22 और 11, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट सवाल आपके सामने होगा, पूछा गया है परिवहन नेटवर्क प्रणाली में सीएनजी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो सीएनजी शब्द के फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका प्रयोग कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस के रूप में करते हैं, तो इसका ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, 10 नंबर सवाल में पूछा है फिलोसफिक जियोलॉजिक्यू के लेखक कौन है। तो फिलोसफिक जियोलॉजिक्यू के लेखक की बात किया जाए तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा लेमार्क, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेमार्क साहब ने यह पुस्तक 1809 ईस्वी में जीन बैप्टिस्ट लेमार्क के द्वारा लिखी गई थी। इस पुस्तक में लेमार्क ने स्वयं द्वारा प्रतिपादित विकास के सिद्धांत का वर्णन किया था। किसके वर्णन किया था? विकास के सिद्धांत का वर्णन किया गया था। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानीय संवेदनहारी भी है उत्तेजक भी है। संवेदनहारी और उत्तेजक के रूप में बात किया गया है, तो कौन ऐसा चीज़ है जो संवेदनहारी भी है और उत्तेजक भी है। तो इसके ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, तो 11 नंबर की बात किया जाए तो हम लोग ऑप्शन की बात देखेंगे, फिर हम देखेंगे कौन सा संवेदनहारी और उत्तेजक के रूप में काम करता है। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कोकेन। कोकेन एक आपका संवेदनहारी के साथ साथ में एक उत्तेजक के रूप में भी कार्य प्रयोग किया जाता है। आगे पूछा हुआ है 12 नंबर सवाल, 12 नंबर सवाल पूछा है पोषवाहक जिसे हम लोग फ्लोएम कहते हैं, फ्लोएम का दूसरा नाम क्या है। तो फ्लोएम का काम आपको पता है कि पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पेड़ पौधे में विभिन्न भागों में पहुँचाना होता है, और फ्लोएम का जो दूसरा नाम है वो लोग बास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? बास्ट कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होता है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, यहाँ पूछा गया है कि सामान्य ब्रेड जिसे रोटी कहते हैं, गेहूँ ट्रिक्टिकम स्टाकवम है, तो ये क्या है। जैसे कि गेहूँ का आपका साइंटिफिक नाम है ट्रिटिकम अस्टाइवम, ठीक है, तो ये किस प्रकार का अनाज है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, यह षष्ठ गुणित अनाज के अंतर्गत आता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, यहाँ पूछा गया है 14 नंबर में सवाल में जीव विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जो विलुप्त जीवों से संबंधित है। तो विलुप्त जीवों से संबंधित है, जो जीव विलुप्त हो चुके हैं उससे संबंधित है, उसे हम लोग कहते हैं जीवाश्म विज्ञान, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने 15 नंबर सवाल, 15 नंबर सवाल की बात किया जाए, इसे पढ़ा जाए तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू की बात किया है, सही नहीं है। तो सही यहाँ पे देखा जाए, चारों ऑप्शन को आप पढ़ेंगे तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, एक कथन गलत है, क्योंकि आर्द्रता के बढ़ने पर, ह्यूमिडिटी के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का जो साउंड का वेग है वो बढ़ जाता है, ना कि कम होता है। इसी वजह से बारिश होने के बाद, ठीक है, जो किसी भी जो साउंड का जो वेग है वो बढ़ जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने पूछा है कि सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी है, मतलब सबसे नियरेस्ट पॉइंट क्या है जहां पे हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। तो उसका सही जवाब हो जाएगा ये 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर जो होता है एक सामान्य मानव नेत्र के लिए यह दूरी होती है जहाँ पर मानव एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से सुस्पष्ट तरह से उसके प्रतिबिंब को दर्शन कर सकता है, देख सकता है। यह हालांकि यह उम्र के अनुसार अलग अलग भी हो सकती है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, नेक्स्ट सवाल ये पूछा हुआ है आपके सामने कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है। तो आपको पता है जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है। तो 17 का आपके सामने जो होगा, 17 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि आपतित फोटोन की ऊर्जा से कम होती है,
ठीक है, आपतित फोटोन की ऊर्जा से कम होती है। जब आपको मान लो एक सन का रेज आता है और यहाँ पे उस फोटोन के रूप में आता है, और यहाँ पे जैसे ही वो फोटोन पड़ता है तो उसका एनर्जी लॉस हो जाता है और यहीं से इलेक्ट्रॉन आगे निकल जाता है एनर्जी गेन करके। तो ये जो एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन का वो आपतित फोटोन की ऊर्जा से कम होगी, क्योंकि कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है, तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट सवाल आपके सामने होगा, 18 नंबर में पूछा है कोणीय संवेग किसके बराबर होते हैं। तो कोणीय संवेग बोला गया है, एंगुलर मोमेंटम की बात किया गया है, तो इसका सही जवाब आपके सामने हो जाएगा ऑप्शन ए, जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग, अर्थात मोमेंट ऑफ इनर्सिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, पूछा गया है अति चालकता का अर्थ क्या होता है। अति चालकता अर्थात सुपर कंडक्टर का अर्थ क्या होता है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, धारा बिना किसी प्रतिरोध का सामना किए प्रवाह करता है। तो ऐसा कंडक्टर है जिसमें कोई प्रतिरोध का मान शून्य होता है, तो धारा जो होता है करंट होता है किसी भी ऑपोजिशन का वो आसानी से फ्लो कर सकता है, उसे हम लोग अति चालकता कहते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संचार विधि दो तरफा टू वे, ठीक है, ट्रैफिक को सपोर्ट तो करती है लेकिन एक समय पर केवल एक ही दिशा में काम कार्य करती है। तो यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन की बात किया जाता है, ट्रैफिक को सपोर्ट करती है, दोनों तरह से डेटा का स्थानांतरण होता है लेकिन एक समय में एक ही दिशा में होती है, तो इसको हम लोग कहते हैं हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में एक बार डेटा एक साइड से दूसरे साइड जाती है और उसके बाद दूसरे साइड से पहले साइड में आती है, तो इसे हम लोग हाफ डुप्लेक्स कहते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे 21 नंबर सवाल, 21 नंबर सवाल आपके सामने होगा और यहाँ पे लिया हुआ है विंडोज़ 98 मूल रूप से क्या है। तो विंडोज़ 98 मूल रूप से क्या है, तो ये कंप्यूटर से संबंधित सवाल है, तो यह एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑप्शन बी है। विंडो 98 माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया था, जो 95 को रिप्लेस करने का कार्य कर की थी, ठीक है, विंडो 95 को रिप्लेस करके विंडो 98 लाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, पूछा गया है 722 में औषध में पीड़ा नाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्र है। तो जो औषधि में हम लोग दवा मेडिसिन का यूज़ करते हैं उसमें पीड़ा नाशक अर्थात आपका जो पेन किलर के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं वो किसका प्रयोग करते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एस्प्रिन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि आपको डिस्प्रिन वगैरह पैरासीटामोल वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं बुखार में, सर्दी खांसी जुकाम या सर दर्द में, तो जो पीड़ा नाशक के रूप में यूज़ करते हैं वो एस्प्रिन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपको 23 नंबर सवाल में पूछा है कि निम्नलिखित समितियों में से किस समिति ने भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधारों की जांच की और सुझाव दिए थे। तो ऐसा कौन सा समिति था जो भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों की जांच की थी और कुछ सुझाव दिए थे, उसका सही जवाब आपके सामने ऑप्शन सी हो जाएगा, नरसिम्हम कमेटी ने, नरसिम्हम समिति ने ये काम को कार्य को किया था, तो 23 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाता है। यह समिति का गठन किया गया था 1991 ईस्वी में तथा 23 अप्रैल 1998 ईस्वी को इस समिति ने अपने सुझाव सरकार को सौंप दिया था। गठन की बात किया जाए तो 1991 ईस्वी और सुझाव दिया था ये आपका 23 अप्रैल 1998 ईस्वी में, ठीक है, 7 साल के बाद। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है कि वाष्पशील सुगंध तेलों में यह समाविष्ट होता है। जो वाष्पशील तेल होते हैं तथा सुगंध तेल होते हैं उसमें क्या समाविष्ट होता है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, टर्पीनॉइड्स समाविष्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल, इस्पात में कार्बन का प्रतिशत होता है, तो इस्पात में कार्बन का प्रतिशत कितना प्रतिशत होता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 0.5 से लेकर 1.5 के बीच में होता है। नेक्स्ट सवाल 66 नंबर सवाल में आपके सामने है, वहाँ पे पूछा है CPI किसके लिए प्रयुक्त होती है। तो CPI किसके लिए प्रयुक्त होती है, तो इसका सही सवाल जवाब आपके सामने हो जाएगा, इसका ऑप्शन देखें, चारों ऑप्शन को देखा जाए तो इसका सही जवाब आपके सामने ऑप्शन ए हो जाएगा, कॉम्प्रेंसिव इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इंडेक्स, जो पॉल्यूशन जांच करती है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं 27 नंबर सवाल, 27 नंबर सवाल ने पूछा है भारत में हिम चीता आबादी कहाँ नहीं पाई जाती है। तो भारत में हिम चीता आबादी कहाँ
नहीं पाई जाती है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, पश्चिमी घाट में। अब बात आती है ये हिम चीता कहाँ कहाँ पाई जाती है, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो भारत में हिम चीता हिमालय पर्वत के उत्तरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके भौगोलिक वितरण में पश्चिमी हिमालय का एक बड़ा भाग सम्मिलित है, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख का कुछ भाग, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। हिम चीता नेपाल तथा भूटान और चीन के कुछ भागों में भी पाया जाता है, ध्यान रखें, लेकिन यहाँ पे पश्चिमी घाट में नहीं पाया जाता है। आगे आपको पूछा है 28 नंबर सवाल में, पूछा बबुल वृक्ष को क्या कहा जाता है, तो बबुल वृक्ष का साइंटिफिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका सही नाम हो जाएगा ऑप्शन बी, ल्यूकेना ल्यूकोसेफला। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, 29 नंबर सवाल में पूछा है निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात जब भी आती है तो आपका लॉर्ड रिपन साहब का नाम आता है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब बात करते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, तो 29 की बात किया जाए तो लॉर्ड रिपन ने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए सन 1882 ईस्वी में 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था। इसने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था तथा स्थानीय स्वशासन की शुरुआत भी की थी, ध्यान रखें। 30 नंबर सवाल में आपके सामने पूछा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय अवकाश नहीं है, अर्थात आपका नेशनल हॉलीडे निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे देखेंगे आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन में, तो यहाँ पे देखिए जैसा कि 2 अक्टूबर के बारे में, तो यहाँ गांधी जयंती मनाया जाता है तो यह एक नेशनल हॉलीडे है, फिर आपका 26 जनवरी, 15 अगस्त, और वहीं पे बात किया जाए आपका डी ऑप्शन, तो 25 दिसंबर आपका नेशनल हॉलीडे के अंतर्गत नहीं आता है, राष्ट्रीय अवकाश के रूप में नहीं माना जाता है। आगे देखते हैं 31 नंबर सवाल, 31 नंबर सवाल में पूछा हुआ है क्या कि सूर्य की किरणें भारत में कहाँ से विदा होती है, अर्थात सूर्य की किरणें भारत में कहाँ से विलुप्त हो जाती है, तो इसका सही जवाब का हो जाएगा गुजरात। गुजरात भारत का सबसे पश्चिमी छोर है और यहीं से सूर्य की किरणें भारत से विदा लेती है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, तो 31 का ऑप्शन ए सही जवाब होगा। जबकि आपका उद्गम स्थान पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी स्थल है, यातायात सर्वप्रथम सूर्य की किरणें प्राप्त करता है अरुणाचल प्रदेश। 32 नंबर सवाल आपके सामने है, 32 नंबर सवाल में पूछा है निम्नलिखित में से यूरिया को उत्पादित करने के लिए कौन सा अभिक्रिया करता है, तो यूरिया को उत्पादित करने के लिए कौन अभिक्रिया करता है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, इसी से हम लोग यूरिया का निर्माण करते हैं, तो 32 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यूरिया जैसा कि आपको पता है कि लैबोरेटरी में बनने वाला सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ था, तो इसके बारे में भी ध्यान रखें कि ये भी सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 33 नंबर सवाल आपके सामने है, ऐसी महिला जो दूसरों के बच्चों को पैदा करने हेतु अपना गर्भाशय किराए पर देती है उसे क्या क्या कहते हैं, तो ऐसे महिला जो दूसरों को बच्चा पैदा करने हेतु अपना गर्भाशय किराए पर देती है उसे हम लोग सैरोगेट मदर कहते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारतीय केंद्रीय सिल्क बोर्ड के अंतर्गत रेशम कीट अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थाओं को किस संघ मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो 34 की बात किया जाए तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वाणिज्य एवं वस्त्र मंत्रालय के द्वारा प्रशासित किया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं 35 नंबर सवाल, 35 नंबर सवाल आपके सामने होगा, पूछा गया है उदारतावाद, निजीकरण और सार्वभौमिकरण किसके उद्देश्य हैं, तो 35 का आपके सामने आप देखेंगे तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, आर्थिक कार्यक्रम है ये, आर्थिक कार्यक्रम के अंतर्गत में आपका उदारतावाद, निजीकरण और सार्वभौमिकरण का उद्देश्य माना गया है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, पहले न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण का श्रेय किसको जाता है, तो पहले जो न्यूक्लियर रिएक्टर है का श्रेय किसको जाता है, तो 36 नंबर आपका जो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फर्मी साहब को जाता है। फर्मी साहब का पूरा नाम एनरिको फर्मी एक इटालियन भौतिकविद थे, ये शिकागो पाइल 1 प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर, क्वांटम सिद्धांत का विकास, न्यूक्लियर और पार्टिकल फिजिक्स तथा
स्टैटिकल मैकेनिक्स के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए जाने जाते हैं। इन्हें परमाणु बम के जनक के रूप में भी माना जाता है। तो ध्यान रखेंगे, पहले न्यूक्लियर रिएक्टर की बात किया जाए तो आपका सही जवाब एनरिको फर्मी साहब जी का नाम आएगा। आगे देखते हैं 37 नंबर सवाल में पूछा है, सबसे प्रारंभिक वर्तमान बौद्ध स्तूप यहाँ से आते हैं। तो सबसे प्रारंभिक वर्तमान बौद्ध स्तूप कहाँ से आते हैं? तो 37 नंबर सवाल आपके सामने हो जाएगा, सांची, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सांची सबसे पुराना बौद्ध पूजा स्थल है जो अभी भी अस्तित्व में है। सांची स्थल के पास अनेक बौद्ध स्मारक हैं, इनमें से अधिकांश दूसरी और पहली सदी ईस्वी पूर्व की हैं। 12वीं शताब्दी तक यह भारत में बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम बताइए। तो यहाँ पे देखिए कि चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो लिखित कहानी है उनमें से एक है ऑप्शन डी काबुलीवाला। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाता है। वहीं पे रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित काबुलीवाला एक लघु कहानी है या काबुल के एक या प्रवासी व्यापारी की कथा है जो कोलकाता में एक छोटी लड़की के साथ मित्रता करता है और यह गहरी मानवीय रिश्तों की समझ तथा विश्व की एक गुढ़ वास्तविक सोच पर आधारित कहानी है। बाकी रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत सारे अपने पुस्तक लिखे हैं, उन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज भी प्राप्त हुआ है। 39 नंबर सवाल पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है बात किया जाए तो 39 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे PIL पब्लिक एंट्रोयूट्स लिटिगेशन ये सही नहीं है, क्योंकि PIL का पूर्ण रूप होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। 40 नंबर सवाल पूछा है कि भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? तो बहुत ही आसान सवाल है, भांगड़ा पंजाब का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भांगड़ा कई प्रकार के नृत्यों से प्रयुक्त होता है जिसकी उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप के पंजाब क्षेत्र में हुई थी। यह नृत्य ढोल के साथ संगीत, लोकगीत और चिमटा पर आधारित है। नृत्य के साथ गाए जाने वाले गीत छोटे दोहे होते हैं जिन्हें पंजाबी भाषा में लिखा जाता है, इसे बोली कही जाती है। 41 नंबर सवाल की बात किया जाए तो पूछा हुआ यहाँ पे, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको सौंपी गई है? तो अवशिष्ट शक्तियों की बात किया जाए तो 41 का आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल संघ संसद को सौंपी गई है अवशिष्ट शक्तियाँ। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे देखते हैं हम लोग 42 नंबर सवाल। तो वीडियो पे आप शुरू से अंत तक बने रहें क्योंकि इस तरह के सवाल ही आते हैं और आपको प्रैक्टिस करने का समय मिल गया है, तो आप प्रैक्टिस करते रहें, साथ साथ में मोटिवेट रहें, क्योंकि जब आपको वर्दी का चाहत है तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है, आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? तो आधारित लोकतंत्र की बात किया गया है तो 42 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि शक्तियों का हस्तांतरण होना चाहिए, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, पंचायती राज प्रणाली होनी चाहिए, इसी पे हमारा लोकतंत्र जो होता है वो आधारित होता है। 43 का क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? तो निवारक निरोध अधिनियम नहीं है तब 43 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विदेशी मुद्रा अधिनियम जिसे हम लोग फेरा कहते हैं। तो फेरा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो भारतीय संसद द्वारा 1973 इसमें पारित विदेशी विनिमय नियामक अधिनियम फेरा की बात किया जाए तो एक सख्त नियम है जिसे विदेशी विनियम तथा प्रतिभूतियों और लेन देन पर लागू किया गया था, जिसका प्रत्यक्ष रूप से विदेशी विनिमय और मुद्रा के आयात निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यह निवारक नजरबंदी अधिनियम नहीं था। बात किया जाए 44 का, तो 44 में देखिए, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से क्या अर्थ होता है? तो उपनिषद का शाब्दिक रूप से क्या अर्थ होता है? तो 44 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यहाँ पे पास बैठना। ठीक है, उपनिषद शब्द का अर्थ है पास बैठना, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं 45 नंबर, जिस मनीषी अर्थात पंडित ने दक्षिण भारत का आईकरण किया वे कौन थे?
तो जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किए थे वे कौन थे? तो इसका सही जवाब आपको देखा जाए तो अगस्त मुनि को परंपरागत भारतीय चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है। वे दक्षिण भारत के आर्यों से भी संबंधित थे। तो यहाँ पे सही जवाब आपके सामने हो जाएगा अगस्त मुनि, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं 46 नंबर सवाल। 46 नंबर सवाल में पूछा है वैदिक आर्यों की ही भांति अज्ञेय अग्नि की प्रथा का पालन इनके द्वारा भी किया गया था। तो वैदिक आर्यों के तरह ही अग्नि अज्ञेय अग्नि की प्रथा मतलब यज्ञ करना, अग्नि पूजा करना का पालन भी किनके द्वारा किया गया था? तो 46 की बात किया जाए तो 46 का आपके सामने देखेंगे, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। ये रोमवासियों के द्वारा भी, यूनानियों के द्वारा भी और ईरानी लोगों के द्वारा भी किया गया था ये कार्य, यज्ञ पूजा करना, अग्नि पूजा करना। तो उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपको पूछा हुआ है निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किस में से खोजा जा सकता है? तो भारतीय संगीत का उद्गम किससे हुआ है? तो 47 का आपके सामने ऑप्शन बी हो जाएगा, सामवेद। सामवेद से ही भारतीय संगीत की खोज की गई थी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होता है। 48 नंबर सवाल आपके सामने है, पूछा है प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय की नाम बात बात किया जाए 48 का आपका ऑप्शन ए सही जवाब होगा, तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। स्रोतों के अनुसार इसका निर्माण ईसा पूर्व 10वीं शताब्दी में किया गया था, जबकि इसका पतन ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में हुआ था। तो ध्यान रखें, सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय की बात किया था, तक्षशिला है। आगे देखते हैं, पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त अर्थात गर्म स्थान कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक गर्म स्थान कौन सा है? तो 49 का पृथ्वी पर सबसे अधिक 1922 ईस्वी में अल अल्जीरिया में 57.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था, जो अब तक पृथ्वी पर दर्ज सबसे अधिक तापमान माना जाता है। तो यहाँ पे अल अल्जीरिया जिसे लीबिया में, जो लीबिया में स्थित है, वो सबसे गर्म स्थान पृथ्वी पर है। यहाँ पे आपके सामने है भारत का संपूर्ण क्षेत्र कितना है? तो भारत का संपूर्ण क्षेत्र की बात किया जाए तो 50 का सही जवाब आपके सामने हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में आप देख पा रहे होंगे क्या है, 32,87,590 वर्ग किलोमीटर इसका सही जवाब होगा। ये भारत का संपूर्ण क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में है। आगे देखते हैं, उस चक्रवात को क्या नाम दिया गया था जिसने वर्ष 2007 में बांग्लादेश में भारी तबाही मचाई थी? तो 2007 में बांग्लादेश में भारी तबाही मचाने वाली चक्रवात का जो नाम दिया गया था आपके सामने ऑप्शन बी है, जिसका नाम था सिद्र। क्या नाम था? सिद्र। ये भी सवाल कई कई बार पूछे जा चुके होते हैं कि कौन सा चक्रवात है जो सबसे तबाही मचाया है। तो अभी भी देखिए, कुछ एक वायरस है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा तबाही मचा चुका है, इसके बारे में सवाल बनने के चांस होते हैं। तो अब करंट का भी क्वेश्चन को साथ साथ में पूछा जाता है, तो ये भी ध्यान में रखें आप। आगे आपके सामने पूछा हुआ है कि पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला की बात किया जाए तो एंडीज पर्वत सबसे लंबी पर्वतमाला है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होता है। संसार की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है, जिसकी ऊंचाई 7,000 किलोमीटर है। यह दक्षिण अमेरिका के उत्तर में, दक्षिण में सात देशों वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलविलिया, चिली और अर्जेंटीना के अलावा इस महाद्वीप के पश्चिमी तट तक फैला हुआ है। आगे देखते हैं, 53 नंबर सवाल में निम्नलिखित देशों में से किस देश में कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है? तो खनिज निक्षेप कौन कौन सा देश में नहीं है? तो इसका सही जवाब 53 का ऑप्शन ए हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में खनिज नहीं पाया जाता है। इसे खेलों का मैदान कहा जाता है, ठीक है, ग्राउंड ऑफ प्ले। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, जल का स्थानांतरण है, तो जल का स्थानांतरण क्या होता है? 54 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अप सुघटित तथा संसुघटित, ये दोनों जल का स्थानांतरण होते हैं। तो 54 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सी सही जवाब हो जाएगा। आपके सामने यहाँ पे पूछा गया है जीवाणु भोजी किसके द्वारा खोजा गया था? तो जीवाणु भोजी किसके द्वारा खोजा गया था, तो आपके सामने है तो 55 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, फेलिक्स डी हेरेल और फ्रेडरिक के द्वारा।
आगे देखते हैं 56 नंबर सवाल। 56 में पूछा गया है जिन युग्मों में नहीं पाए जाते हैं, जिन युग्मों में नहीं पाए जाते हैं किसमें नहीं पाए जाते हैं, तो 56 का सही जवाब आपके सामने ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, युग्मकों में नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पे आपके सामने बायोलॉजिक सवाल दिए हुए हैं सारे। यहाँ पे देखिए उत्तक जन जिसके बाह्य त्वचा बनाती है वह है, उत्तक जन जिससे हमारा बाह्य त्वचा का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो 57 का ऑप्शन आपका ए सही जवाब हो जाएगा, त्वचा जन कहते हैं, ठीक है। आगे आपके सामने रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो रक्त समूह की बात किया जाए तो यहाँ पे आपका सब कार्ल अस्टीनर इसका सही जवाब हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी लैंड अस्टीनर या तो कार्ल लैंड अस्टीनर के द्वारा की गई थी। आगे देखते हैं 59 नंबर सवाल, एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक के सूत्र द्वारा किया गया कार्य इसके तुल्य होता है, तो एक पूर्ण दोलन, ठीक है, एक कंप्लीट पेंडुलम के द्वारा, ठीक है, एक सिंपल पेंडुलम के सूत्र द्वारा किया गया कार्य किसके तुल्य होता है, तो 59 का सही जवाब आपके सामने ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, शून्य होता है, कितना होता है, शून्य होता है। बात किया जाए यहाँ पे 60 नंबर सवाल, किसी कण को साम्यावस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या क्या होती है, साम्यावस्था में रखने के लिए बलों की जो न्यूनतम संख्या की बात किया जाता है, तो 60 का आपका सही जवाब आपके सामने हो जाएगा ऑप्शन बी, कम से कम दो बल चाहिए, ठीक है, जिसे साम्य अवस्था में कांस्टेंट रूप में रखा जाए किसी भी वस्तु को। आगे देखते हैं साम्य अवस्था का कहने का मतलब समतुल्य अवस्था कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। SHM दर्शाने वाली प्रणाली में यह आवश्यक होना चाहिए, SHM दर्शाने वाली प्रणाली में क्या होना चाहिए, तो आपके सामने 61 का, तो SHM की बात किया जाए तो इसको मतलब होता है सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, लागू होने के लिए सामान्य शर्त इस प्रकार है, किसी वस्तु पर लगाए गए बल में लचीलापन होना चाहिए, वस्तु की स्थिति स्थिर शक्ति होनी चाहिए, वस्तु में त्वरण गतिवर्धन होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, तो 61 में आप पढ़ेंगे तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रत्यक्षता तथा जड़त्व दोनों ही होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण की थी, तो भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली 1911 ईस्वी में स्थानांतरित किया गया था, तो उस समय कौन गवर्नर जनरल थे, तो 62 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग साहब थे उस समय के गवर्नर जनरल। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है यूएन चार्टर में कितने सिद्धांत हैं, तो यूएन चार्टर की बात किया जाए तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 7 सिद्धांत हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं 64 नंबर सवाल, 64 नंबर सवाल में पूछा गया है आपके सामने, यहाँ पे बात किया गया है विश्वव्यापी वेव जिसे वर्ल्ड वाइड वेव कहते हैं या तो WWW कहते हैं, पर सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली दूसरे स्थान वाली भाषा कौन सी है, तो सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली दूसरे स्थान की भाषा बात किया गया है, तो 64 का आपके सामने ऑप्शन ए हो जाएगा, और ऑप्शन ए यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देखिए जर्मनी, फ्रांसी, चीनी, चाइनीज़ और इंग्लिश, तो इसमें से आपका क्या हो जाएगा, फ्रांसीसी भाषा को सबसे ज़्यादा किया जाता है अंग्रेजी के बाद। पैंसठ नंबर सवाल आपके सामने है, 65 नंबर सवाल में पूछा है श्वेत फास्फोरस सामान्यता इसके अंतर्गत रखा जाता है, तो श्वेत फास्फोरस को किसके अंतर्गत रखा जाता है, तो 65 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, जल में रखा जाता है, ठीक है। 66 नंबर सवाल आपके सामने है, 66 नंबर सवाल में पूछा है फ्लैश बल्बों का तार किसका बना होता है, तो फ्लैश बल्बों का जो तार बना होता है वो ऑप्शन ए मैग्नीशियम का बना होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा 66 का। आगे देखते हैं हम लोग एक स्वतः प्रकर्म के लिए क्या होना चाहिए, तो एक स्वतः प्रकर्म करने के लिए की बात किया जाए तो 67 की में ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा कि डेल्टा जी का मान जो होना चाहिए वो ऋणात्मक होना चाहिए। जी एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी प्रकृति, ठीक है,
तापमान एवं दबाव के नियमित होने पर अग्रसर रहती है, तो इसका जो मान होना चाहिए वो क्या ना जीरो से कम होना चाहिए, अर्थात नेगेटिव होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल आपके सामने होगा, पूछा गया है निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता सबसे उच्च होती है। सबसे अधिक वेदन क्षमता की बात किया जाए तो 68 का आपके सामने ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, गामा किरणें। गामा किरण का जो वेदन क्षमता होती है सबसे अधिक होती है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, वक्र के आकार की द्वार कोशिकाएं किसमें से होती है। तो वक्र के आकार की द्वार कोशिकाएं किसमें से होती है, तो 69 का आपके सामने ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, द्विबीजी पादपों में होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं 70 नंबर सवाल, डम्बेलाकार द्वारा कोशिकाएं किसमें होती है। तो डम्बेलाकार द्वार कोशिकाएं किसमें होती है, तो 70 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, गेहूं में होती है। आगे देखते हैं 71 नंबर सवाल, 71 नंबर सवाल में रंध्र मुख द्वार इस पर आधारित होती है। तो रंग मुख द्वार किस पर आधारित होती है, तो 71 का आपके सामने सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अंतः प्रसरण में आधारित होती है। 72 में पूछा हुआ है कौन सी गैस पादप गृह प्रभाव जिस ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है। तो मुख्य रूप से उत्तरदायी की बात किया जाता है, तो 72 का सही जवाब आपके सामने ऑप्शन डी हो जाएगा, जल वाष्प जिसे हम लोग वेपर कहते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस में आपको उत्सर्जन के लिए मुख्य रूप से चार प्राकृतिक गैसें होती है, जिसमें से वाटर वेपर, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जिम्मेदार होती हैं। ध्यान रखेंगे जल वाष्प से सबसे अधिक होती है, 36 से लेकर 70% तक इसका उत्सर्जन करता है ग्रीन हाउस का, तो इस वजह से सबसे ज़्यादा उत्तरदायी आपका जल वाष्प होता है। वहीं पे बात किया जाए आपका उत्पादन का कोई भी कारक आर्थिक लगान अर्जित कर सकता है जब इसकी आपूर्ति इस प्रकार होती है। तो 73 इकोनॉमिक्स से सवाल है, इसका सही जवाब आपके सामने ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण विलोच होती है तब इसके, ठीक है, आर्थिक लगान अर्जित कर सकता है। 74 में आपके सामने दिया हुआ है किसने कहा था कि मध्य रात्रि की टंकार पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। तो 74 का सही जवाब आपके सामने, यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने इस कथन को कहे थे। भारतीय स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 ईस्वी पर देशवासियों को संबोधित करते हुए जो बातें कही गई थी, ये प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा व्यक्त की गई थी। आगे देखते हैं बुल्स आई किस खेल में प्रयुक्त होता है। तो बुल्स आई की बात किया जाए तो इसका सही जवाब आपके सामने है कि बुल्स आई आपका मुक्केबाजी में प्रयुक्त किया जाता है। तो 75 का ऑप्शन ए, ऑप्शन यहाँ पे बुल्स आई की बात किया जाए तो आपका मुक्केबाजी में नहीं, आपका शूटिंग में ये बात की जाती है। ठीक है, शूटिंग शब्द में बुल्स आई का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने 76 नंबर, इसके बाद हम लोग देखेंगे, सॉरी यहाँ से 75 नंबर सवाल आपके कंप्लीट होता है जीके जीएस का। अब यहाँ से हम बात करेंगे मैथ रीजनिंग के सवाल के बात करेंगे और 25 सवाल देखेंगे बैक टू बैक, और बहुत अच्छे अच्छे सवाल लेके आया हूँ इस टेस्ट सीरीज में, तो अच्छे से सवाल हैं आप शुरू से लेकर अंत तक देखें। जैसा कि पता है आपको कि बिहार मेंस में, बिहार दरोगा मेंस में मैथ और रीजनिंग के 25 सवाल रहेंगे। तो यहाँ आपके सामने एक सवाल दिया हुआ है, यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं थोड़ा इसको कर लेता हूँ, ठीक है, छोटा कर लिया, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अमर की आय तथा मनोज की आय क्रमशः 4000 तथा 6000 प्रति माह है। तो मनोज की आय अमर की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पे देखिए मनोज की आय जो है 6000 है और अमर की आय 4000 है, तो 2000 अधिक है, तो किससे अधिक है, 4000 से। ठीक है, और गुने में 100 कर लेंगे तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, 50%। तो जो आपका है मनोज की आय है अमर की आय से 50% अधिक है। आगे देखेंगे, आगे आपको बात यहाँ दिया गया है क्वेश्चन नंबर 77 में किसी संख्या के 1/4 को उसी संख्या के 1/3 से घटाया जाए तो 12 मिलते हैं, वह संख्या है। तो यहाँ पे देखिए एक एक्स है, एक्स का 1/3 में से हम घटा रहे हैं एक्स का एक चार, एक्स 1/4,
और ये हमें 12 मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 4x, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 3x, और इधर आपका दिया हुआ कितना 12। इस तरह से जो x का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 12 × 12 144 आ जाएगा, और 144 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो संख्या का जो मान है वो कितना है, तो 144 इसका सही जवाब है। आगे देखते हैं हम लोग, इसी तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपका मैथ और रीजनिंग बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, बस आप प्रैक्टिस बनाए रखें। यहाँ पे 78 नंबर सवाल में आपको पूछा है, 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक पहिया 100 चक्कर लगाता है, तो पहिए का व्यास कितना होगा। तो यहाँ पर चक्करों की संख्या जो होती है वो किसके बराबर होती है, कुल दूरी बटे में जो एक पहिए का परिधि होता है। तो पहिए का परिधि कितना, 2πr या तो पाई डी, ठीक है, पाई डी। चक्करों की संख्या आपके सामने कितना है, 1000, ठीक है। और यहाँ पे दूरी जो दे रखा है वो कितना दे रखा है आपका, 88, ये आपके पास है किलोमीटर में, आपका आंसर दिया है मीटर में, तो 88 मीटर बनाने, तो 1000 से गुना कर लें। पाई का मान कितना होता है, तो 22/7 होता है, और यहाँ से डी अर्थात व्यास पूछा हुआ है, तो ये 1000 से 1000 कट जाएगा, और 22 से ये 4 बार में कटेगा, ठीक है। और 7 आपका डी का मान जब हम निकालेंगे तो आपका डी का मान कितना आ जाएगा, 7 × 28 आ जाएगा, ठीक है। डी बराबर यहाँ से कितना आएगा, 7 ऊपर जाके कितना हो जाएगा ये 28, 28 मीटर डी का मान आ जाएगा, व्यास आ जाएगा। आगे देखते हैं, दिया हुआ यहाँ पे क्या कि राजेश तथा आपका दिया हुआ राजेश तथा शंकर के वर्तमान उम्र का योगफल दिया हुआ है 60 वर्ष है, तो 6 वर्ष बाद राजेश तथा शंकर के उम्र का अनुपात 7:5 हो जाएगा, तो शंकर की वर्तमान उम्र होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं कि आपका जो राजेश है और प्लस में शंकर है, ये कितना दिया हुआ है, 60, ठीक है। 6 वर्ष बाद अर्थात राजेश भी 6 साल बढ़ जाएगा, शंकर भी 6 साल बढ़ जाएगा, तो ये टोटल कितना बढ़ जाएगा, 60+12 बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा इनका 72, कितना, 6 वर्ष के बाद। और 6 वर्ष के बाद इनका आयु का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया है, 7:5 दिया है, अर्थात 7:5 राजेश कहीं 7 वर्ष का है तो शंकर 5 वर्ष का, टोटल इनका कितना दिया, 12। तो 12 यूनिट का मान दिया 72, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा आपका 6। तो बात किया गया है शंकर की वर्तमान उम्र क्या होगी, तो शंकर का 6 है तो 5 यूनिट का मान निकालेंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 30। तो शंकर 6 साल के बाद 30 वर्ष का होगा, तो अभी कितने वर्ष का होगा, तो 30 में से 6 घटा देंगे तो अभी ये होगा 24 वर्ष का। तो 24 वर्ष शंकर का वर्तमान उम्र सही जवाब हो जाएगा। आगे आपके सामने दिया हुआ है कि एक घड़ी मध्यान्ह को शुरू होती है, मध्यान्ह मतलब 12 बजे शुरू होती है, 5:10 पर घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी। तो देखिए घंटे की सुई जो होती है वो 1 घंटे में 30 डिग्री कोण बनाती है, तो 5 घंटे में कितने डिग्री कोण बनाएगी, तो 5 डिग्री में आपका 150 डिग्री का कोण बनाएगी, 150 डिग्री का कोण बनाएगी। और 1 मिनट में 0.5 डिग्री का कोण बनाती है, तो आपका 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो 0.5 × 10 अर्थात 5। तो टोटल जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 155 डिग्री बनेगा, तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक वर्ग के 14 छात्रों का औसत आयु में 0.5 वर्ष की कमी हो जाती है, इनमें से 2 छात्र जिनकी आयु 12 वर्ष तथा 15 वर्ष है के स्थान पर 2 नए छात्र शामिल किया जाते हैं, तो दोनों छात्रों का औसत आयु क्या है। अभी बात किया जाए कि औसत आपका कितना है, 14 लड़के हैं, 14 वर्ष में 14 लड़कों में 2 लड़कों को निकाल दिया जाता है जिनकी उम्र है 12 वर्ष और 15 वर्ष। तो 12 वर्ष और 15 वर्ष की बात किया जाए तो ये दोनों लड़कों का जो कुल आयु कितना होगा, 12, 15, 27 वर्ष। यदि 27 वर्ष के 2 लड़कों की आयु को निकाल दिया जाता है, 27 वर्ष के 2 लड़के आते जिनकी आयु है योगफल 27 वर्ष, तो हमारे औसत में कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन उनके आने से 14 लड़कों का जो आयु है वो आधा कम हो गया है, अर्थात 7 कम हुआ है। तो उन्होंने 27 वर्ष के निकले हैं तो 7 वर्ष कम लेके आए होंगे, तो दोनों लड़के 20 वर्ष आयु लेकर आए होंगे, और उनका औसत बात किया जाए तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 10 वर्ष, और 10 वर्ष इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं 62 नंबर सवाल, 62 नंबर सवाल में पूछा हुआ है कि किसी धनराशि पर सरल ब्याज
अर्थात साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 भाग है, ठीक है। वर्षों की संख्या तथा वार्षिक दर प्रतिशत आपस में बराबर हैं तो वार्षिक दर क्या होगा? तो वार्षिक दर रेट की बात किया जाए, जब भी इस तरह का सवाल दिया है तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक यूज़ करने कि आर बराबर यहाँ पे गुना, जितना भी गुना रहेगा 1/9 गुने में यहाँ पे कर लेंगे 100, ठीक है, जितना भी गुना है। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, यहाँ से आपका 100 का वर्गमूल 10 आ जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा, यहाँ से आपका 3 से ही 1/3% आपका समय पूछेगा, तो 3 से ही 1/3% और सॉरी 3 से ही 1/3 वर्ष, और दर पूछता तब भी 3 से ही 1/3% होता, क्योंकि समय और आपका दर जो है वो संख्यात्मक रूप से बराबर हैं। तो इस तरह का सवाल आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 83 नंबर सवाल आपके सामने है। 83 नंबर सवाल में आपको पूछा हुआ है क्या कि 10 वर्षों के बाद ए की आयु बी की 10 वर्ष पहले की आयु से दोगुनी हो जाएगी, यदि अभी ए बी से 9 वर्ष बड़ा है तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी? तो क्वेश्चन के अनुसार 10 वर्ष के बाद, अब हम बी की आयु को मान लेते हैं, बी की आयु बी है तो 10 वर्ष के बाद जो होगी ए की आयु, ठीक है, तो ए की आयु यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस 10 वर्ष बराबर में दोगुनी होगी किसके बराबर में, बी की आयु के 10 वर्ष पहले, मतलब 10 घटा देंगे, ठीक है। एक इक्वेशन ये बन गया है। दूसरा दिया है ए बराबर जो है ए बी से 9 वर्ष बड़ा है तो बी प्लस 9, तो यहाँ पे ए का मान बी प्लस 9 ऊपर वाले में रखेंगे तो आपका बी का निकल के आ जाएगा 39 वर्ष और बी का 39 वर्ष का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपके सामने एक सवाल दिया हुआ है रीजनिंग का और पूछा है राजेश दक्षिण की ओर, यहाँ पे एक बना लेता हूँ, ठीक है, ये आपका पूरब है, ये आपका पश्चिम है, फिर आपका ऊपर ये उत्तर है, फिर आपका ये दक्षिण है। राजेश दक्षिण की ओर 25 मीटर चलता है, अर्थात 25 मीटर यहाँ तक आ गया है 25 मीटर, फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ जाता है तो ये चलता है आपका 20 मीटर, पहुंच गया यहाँ पे, फिर यहाँ से फिर बाएं मुड़कर 25 मीटर बाएं मुड़ता है, फिर ऊपर चला गया 25, तो ये 25 आया था और यहाँ पे भी 25 चला गया है, तो अर्थात ये हो गया आपका 20। फिर वहाँ से दाएं मुड़ा और 15 मीटर गया, तो यहाँ पे पहुँचने के बाद फिर से यहाँ से 15 मीटर चला जाता है। पूछा है शुरुआती स्थान से वह कितनी दूरी पर है, तो ये 20 और ये 15 अर्थात आपका 35 मीटर पूरब की तरह है, 25 मीटर पूरब की तरह, 35 मीटर पूरब की तरह इसका सही जवाब हो जाएगा। 85 मीटर पूरब की ओर इसका सही जवाब है। आगे देखते हैं 85 नंबर सवाल आपके सामने है और यहाँ पे इस तरह का सवाल भी कई बार देखा गया है एग्जाम में। यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे कुछ फिगर दिया हुआ है और यहाँ पे पूछा गया है आपको कि नीचे दी गई प्रत्येक आकृति का केवल एक बार का प्रयोग करके 3 समूह बनाइए, इस तरह से बनने वाले 3 समूह कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे बात किया जाए आकृति के अंदर आकृति, तो ये आपका है एक घन के अंदर में त्रिभुज है, एक आपका षष्ठकोण के अंदर में एक वृत्त है, फिर आपका त्रिभुज उस सर्कल के अंदर में त्रिभुज है, तो ये आपका 1 3 9, तो 1 3 9 आपका सी ऑप्शन में है और ये आपका सही है। फिर 2 5 6 मिलाएंगे तो 2 5 और आपका 6 नंबर, ठीक है, ये भी सवाल आपके बनेंगे तो ऑप्शन इस तरह से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे 86 नंबर सवाल आपके सामने पूछा है, तो 86 नंबर सवाल में आप देखेंगे कि पूछा हुआ है कि दिए गए जोड़े में से व्यक्त संबंध बताइए। तो यहाँ पे देखिए ब्रिज को हम लोग साइक्लोन कहते हैं, तो ड्रिजल को हम लोग क्या कहेंगे, तो ड्रिजल को हम लोग डन पोर कहेंगे, क्योंकि ब्रिज होती है वो आपके धीमी हवा होती है, इसका बृहत्तम हवा चक्रवात के रूप लेता है। इसी तरह ड्रिजल की बात किया जाए तो ड्रिजल मतलब होता है झींसी का पड़ना, छोटे छोटे बूंदों का पड़ना, तो इसका डन पोर का मतलब होता है भारी वर्षा होना। आगे देखते हैं इंपोर्ट को एक्सपोर्ट से संबंध किया गया है, तो एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू से संबंधित होगा, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। विलुप्त संख्या की बात किया गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे देख लीजिए 24 नंबर सवाल आपके सॉरी 88 नंबर सवाल में विलुप्त संख्या क्या है, 24 8 120 और आपका यहाँ पे 210, तो 24 बात किया गया है। तो यहाँ से देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है 3 के पावर 3 -3, फिर आगे दिया है 4 के पावर 3 -4, फिर आपका 120 को लिखा है 5 के पावर 5 का क्यू किया गया है और माइनस में 5 घटाया गया है,
फिर 6 का क्यूब करके 3 घटाएंगे तो 6 घटाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 210। इसी तरह से 7 के पावर करेंगे तो 343 आएगा, और उसमें से 7 घटाएंगे तो आपका 336 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिया हुआ है कि आप विलुप्त संख्या ज्ञात करें। तो 3, 12, 27, 48, 75, 108 का मतलब क्या है? तो यहाँ पे जो सीरीज देखेंगे, सीरीज से बनाएंगे, या तो आप क्या करेंगे, 1 के पावर 3 में से 3 को गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 3। फिर आगे करेंगे 2 के पावर, ठीक है, 1, 2 के पावर 3, ठीक है, सॉरी, इस तरह से 89 को यदि करेंगे तो 89 को सॉल्व करने के लिए 3 गुने, ठीक है, 3 गुने हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ से 3 से गुना करेंगे 1 का आपका स्क्वायर, तो क्या होगा, 3 एकम 3, ठीक है। फिर 3 से हम गुणे करेंगे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12। फिर गुणा करेंगे 3 गुने 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 तिया 27। तो इस तरह से करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब 7 करेंगे तो यहाँ पे 3 गुने 7 का स्क्वायर, ठीक है, तो 49 गुने 3 करेंगे तो आपको मिलेगा 147 का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया हुआ है क्या कि एक स्टॉप पर एक व्यक्ति के एक पंक्ति में ए बाईं ओर से, ठीक है, बाईं ओर से ए का जो स्थान है वो कितना है, ये जो है ए का स्थान कितना है, 7वां, ठीक है, और दाईं ओर से बी का स्थान 9वां है। तो दाईं ओर से बात किया जाए तो बी का स्थान जो है वो कितना है, 9। अब वे अपने स्थान को बदल लेते हैं तो ए का बाईं ओर से 11वां हो जाता है, तो ए यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, और ए का स्थान बाईं ओर से 11 हो जाता है, इधर से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, 11, तो यहाँ से 11 और दाईं ओर से इसका पोजिशन है 9, तो कितना कुल बच्चों की संख्या बात किया था, 11 प्लस 9 कितना होगा, 20, और 20 में से 1 हटा देंगे तो कुल बच्चों की संख्या हो जाएगी आपका 19, 19 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे 91 नंबर सवाल में पूछा हुआ है, कौन सा अक्षर उन कॉलेज छात्रों को दर्शाता जो कलाकार हैं पर गायक नहीं, कलाकार हैं लेकिन गायक नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, और बी नहीं दिया है तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे 92 नंबर सवाल पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख महिला कथाकार मिथ्यावादी पदों में संबंधित संबंधों को सृष्टम रूप से दर्शाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं आपके सामने 93 नंबर सवाल, और 93 नंबर सवाल में आपको बोला हुआ है यहाँ पे क्या, एक व्यक्ति एक्स जो है एस से कहता है, क्या कहता है कि एन मेरे पिताजी की एकमात्र बहू है, एन जो है वो मेरे पिताजी की एकमात्र बहू है, तो आपका एक्स कह रहा है, तो एक्स किसे कह रहा है, एस से कह रहा है कि एन मेरे पिताजी का एकमात्र बहू है, ठीक है, एन मेरे पिताजी की एकमात्र बहू है, तो यहाँ पे देखिए एक्स का कोई वाइफ होगी, ठीक है, यहाँ से तो यहाँ पे आपका जो ये रिलेशनशिप निकालेंगे किसके किसके पूछा है, फिर एक्स और एन के बीच में रिलेशनशिप पूछा है, तो इसका सही जवाब होगा पिता पुत्री का रिलेशन हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, पिता पुत्री, ठीक है। आगे देखते हैं, अब इस रिलेशन को बना लेंगे, ठीक है, डायग्राम से जैसे भी बनाते हैं। पूछा 9 और 6, 7 के बीच में सैंडविच है, 9 जो है 9 जो है 6 और 7 के बीच में सैंडविच है, मतलब 9 जो है 6 और 7 के बीच में आता है, तो ये कितने बार है, तो यहाँ से देखेंगे कि आपका यहाँ पे जो 9 है वो आपका 6 और 9, 6 और 7 के बीच में 1 बार है, फिर यहाँ पे 7 और 6 के बीच में भी है 2 बार है, फिर 9 जो है आपका 6 और 7 के बीच में है, फिर आपको जो 9 है 7 और 6 के बीच में है, इस तरह से टोटल 4 बार है। आगे देखते हैं 95 नंबर सवाल में आपके सामने पूछा है कि एक समय अरुण और दीपक की आयु में 4:3 का अनुपात था, तो अरुण है और ये दीपक है, 4 और 3 का अनुपात था, 6 वर्ष बाद अरुण की आयु 26 वर्ष होगी, 6 वर्ष बाद अरुण 26 का होगा, अभी जो अरुण है वो कितने का होगा, तो 20 का होगा, 6 कम होगा, 6 वर्ष के बाद 26, तो अभी कितना, 20, तो 1 यूनिट का 4 यूनिट का मान 20, तो 1 यूनिट का मान 5 हो जाएगा। इसी तरह से डी, डी मतलब दीपक, दीपक को 5 से गुणा करें तो 15 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 15 वर्ष, तो इस समय दीपक की आयु क्या होगी, तो 15 वर्ष, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 96 में पूछा हुआ है कि
कि निम्नलिखित में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो दिए गए शब्द का प्रयोग करके नहीं बनाया सकता है, तो नेक यहाँ पे नहीं बना सकता है क्योंकि के यहाँ पे नहीं है। आगे आपके सामने दिया हुआ है 97 नंबर सवाल, इसमें दिया हुआ है एककुट की भाषा दिल्ली को हम लोग लिखते हैं 73541, कलकत्ता को हम लोग लिखते हैं 8258962। तो उस कुट भाषा में कैलीकट को क्या लिखेंगे? तो कालीकट को लिखेंगे, सी का कोट लिख लें, ए का लिख लें, एल का, आई का, सी यू टी का लिखेंगे। तो 97 का आपके सामने यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कोड बन जाएगा आपका इस तरह से। 97 में आप सबको कोड बनाइए और कोड बना के आप यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा 8251896। आगे देखते हैं, बोला यहाँ पे फिर से कोड दिया हुआ है कुट भाषा में कि जून को हम लोग पी क्यू आर लिखते हैं, अगस्त को हम लोग WQFQML लिखते हैं। तो उसी कुट भाषा में गेस्ट को हम लोग क्या लिखेंगे? तो गेस्ट को हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो कुट करेंगे तो 98 का ऑप्शन बी हो जाएगा, FQSMN। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि आकृति में वृत्त तीन अलग अलग विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दर्शाते हैं। कितने विद्यार्थी तीन विषय पढ़ते हैं? तो कितने ऐसे विद्यार्थी हैं वो तीनों विषय को पढ़ते हैं? तो इसका सही जवाब होगा तीन ऐसे विद्यार्थी हैं जो तीनों विषयों को पढ़ते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, अरुण ने कहा कि यह लड़की मेरी माता जी के पौत्र की पत्नी है। तो अरुण लड़की से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि अरुण ने कहा कि यह लड़की जो है वो मेरी माता जी की पौत्र की, आपका किसका, पौत्र की, ठीक है, पत्नी है, पौत्र की पत्नी है। तो लड़की किस तरह संबंधित है अरुण से? तो ये जो लड़की है, ठीक है, वो अरुण से किस तरह संबंधित होगी? तो अरुण इस लड़की का ससुर जी लगेंगे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से आपके ये 100 क्वेश्चन थे और 100 क्वेश्चन आप कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ कि ये आपके क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होंगे। तो इसी तरह का प्रैक्टिस करते रहें, मुस्कुराते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज को लगाएं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना वीडियो के साथ साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करना भी लें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।